हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि यू नो आजकल मौसम बहुत खराब सा चल रहा है। पता नहीं चल रहा कब गर्मी है कब ठंड है लग जाती है, तो यू नो फीवर कफ वगैरह कुछ ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोगों प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं भूल गई बोलना कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज गुड़गांव में शाम को बारिश हो रही है। आज वैसे तो देखिए हर जगह बाढ़ आ रखी है, तो जहाँ जहाँ बाढ़ आ रखी होगी वहाँ लोग प्रे कर रहे होंगे कि यार प्लीज़ बारिश ना आए। तो और जहाँ जहाँ यू नो गर्मी होगी तो वहाँ लोग बोल रहे होंगे यार बारिश आ जाए तो अच्छा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज बेबी के आई थिंक 11 दिन हो चुके हैं, तो उनकी छोटी छोटी आईज जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं देखती हूँ त्रिशा कहाँ है। त्रिशा नहीं है, त्रिशा यहाँ नहीं है, त्रिशा गंदे हो आप। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए त्रिशा क्या कर रही है। ये देखिए ये क्या है आपके पास है? ये त्रिशा का फेवरेट बेबी है, ये देखिए। तो ये त्रिशा से लेके इसे ही उठाती है क्योंकि ये इतनी आलसी है। ये सच में इतनी आलसी है कि आप इसको कैसी भी रख लोगे ना तो ये वहीं पे सो जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने इसको ऐसे रख रखा है, ये देखिए इसकी आईज खुल गई है। शैतान अभी बहुत छोटी है, मेरे को लग रहा है वीडियो में तो फिर भी बड़ी लग रही होगी, बट ये बहुत छोटी है। इसको आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसे सो जाएगी, इसको ऐसे रखोगे तो ये ऐसे सो जाएगी। मतलब ये हमारे घर की आलसी जीव है, ये इसे कैसे भी सुलाओगे ना वैसे सो जाती है। देखिए इसकी छोटी छोटी सी आईज देखिए, ये देखिए। और ये बट मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये त्रिशा को पहचानती है और ये मेरे को पहचानने लग गई है, तो हम लोगों के पास ही टिक जाती है। क्योंकि एक बच्चा ऐसा है वो मेल है, उसे उठाते ही वो ऐसे चिल्लाता है ना हमारे ऊपर कि जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया हो। तो ये देखिए इसकी मम्मी, ये देखिए ये डेजी देख रही है जारा जी। ये देखिए ये हमारी, ये देखिए ये जारा कहती है कि क्यों ले लिया इस बेबी को। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कैसे कर रही है, क्या है हाँ। ये देखिए हमारी ये नानी कैंडी नानी है, ये देखिए जारा ऐसे नहीं करती बेबी को। ये देखिए इसने आईज ओपन कर ली है अपनी, कितना क्यूट लग रही है ना। ओले ओले ये हमारी त्रिशा देखिए, ये लगी पड़ी शैतानी करने में। मैं आपको दिखाती हूँ और बेबी इसको भी मैं आपको दिखा। ओ त्रिशा ये क्या किया है आपने, पूरा रूम फैला दिया। ये हमारी त्रिशा है ना, बहुत ये भी बहुत ज़्यादा नॉटी है, मैं क्या बताऊँ बस आपको। देखिए क्या कर रखा है इसने, अब इसे पता नहीं इसकी माँ को काम करना पड़ रहा है, माँ को काम करना पड़ रहा है महीने भर से, समझी हाँ। तो क्यों फुलाया फिर आपने, आपने फुलाया ये, मैंने नहीं फुलाया है, किसने फुलाया है ये फिर? ऐसे पता नहीं है ना, माँ लग जाती है सुबह काम करने में, माँ की क्या हालत हो रखी है इस टाइम, इसे क्या पता। ए कैंडी इधर आओ, देखिए कैंडी हमारी बैठ गई है, कैंडी हिरन और डक के साथ बैठी है जाके, ये देखिए हाँ। नहीं बेटा सॉस नहीं खाते, आपको भूख लगी मम्मा आपको खाने के लिए कुछ और देगी, ठीक है हाँ मैं देती हूँ। तो पहले हम बेबीज को तो दिखा दें, आओ देखिए, ये देखिए त्रिशु ने कितना मैसी कर रखा है रूम, ये देखिए ये स्टोन्स इसके फेवरेट हैं, इनको ही लेके ये घूमती रहती है। तो मैं आपको बेबीज दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे छोटे छोटे से बेबी कैसे सो रहे हैं, ये देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो मेल तो मेरे को ज़रूर दिखाना है आप लोगों को, क्योंकि वो मेल यार सच में चाहे मैं उठा लूँ चाहे त्रिशा उठा ले, वो ऐसे करता है ना क्या बेटा हाँ। अच्छा बे त्रिशु आप वाला बेबी पकड़ो, ये देखिए अले 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 यार सीरियसली
ये भी अलग ही फीलिंग होती है, इतना छोटू है ना ये अभी। ये लो यही है, लो त्रिशा, ये बेबी को पकड़ो, मम्मा और बेबी से दिखाती है कैसे सुलाती है। त्रिशु सुला के दिखाओ, अच्छा लगता है आपको बेबी? हाँ, तो मैं आपको और बेबीज दिखाती हूँ। ओके, तो मैं आपको और बेबीज दिखाती हूँ, रुकिए। चल कैंडी, अब इसकी माँ जो है इसकी, ये इसने कब्जा कर लिया है कि मेरे बच्चों को मत निकालना। अब बताओ, ये देखिए, ये प्यार कर रही है अपने बच्चों को। डेजी एक बच्चा ले लो, एक बेबी ले लो आपका, मैं ले लो एक बेबी। तो उसने कब्जा कर लिया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लेने की। ये देखिए, हाँ यही है, ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना, बोला था ना मैंने आपसे, त्रिशु बैठ से आ बेटा। ये देखिए, ये ऐसे ही करता है, मतलब जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया उसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, त्रिशु उधर से नहीं बेटा, उधर से आओ, बैठ से आओ, इस पे से आओ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब यार हम लोग इससे इतना प्यार करते हैं सब बच्चों से, मगर ये इतना बदतमीज है ना, ये आता ही नहीं है यार हमारे पास। ये देखिए, तो ये देखिए ऐसा करता है यार ये हमारे साथ, बताओ आएगा ही नहीं गोदी में। ये देखो, ये देखो, जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब इसको अपनी माँ चाहिए। और बस यही करता है, मैं आपको और भी दिखाती हूँ लेके, इसकी आईज देख लीजिए, ये देखिए छोटू छोटू सी आईज, और भी मैं आपको दिखाती हूँ गोदी में लेके, और नहीं करेंगे मगर इसको करना ही करना है। ये देखिए, ये आई डेजी सारा है, और मैं आपको सबसे कमजोर बच्चा भी दिखा देती हूँ, अभी ये सो रही है, बट ये थोड़ी सी बहुत वीक है इसलिए ना ज़ारा, तो मैं इसको रख देती हूँ। तो ये ना बहुत वीक है अभी, क्योंकि क्या बताऊँगा इस स्टोरी में आपको, तो इसलिए इसका ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा इसका ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, इसको उसका फीड मतलब ज़्यादा हम लोगों को कराना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी सी है, एक ही हाथ में आ गया। हाँ बेटा, अभी दूंगी। अच्छा और बेबीज दिखाओ, और बेबीज का है जारा, जारा भी चुप होने की है कि गोदी में क्यों ले लिया इनको, ये जारा ने भी तो परेशान कर रखा है। मैं और बेबीज दिखाती हूँ आपको, ये ले बेबी ले, देखिए कितना क्यों पिटाई कर दूंगी मैं जारा, ओले ओले ओले, ये देखिए, ये देखिए, नहीं चुपोगी, पिटाई खा के मारेगी गाइस, ये ना मेरे से बहुत ही बदतमीज है ये भी। बोले यार जैसे यू नो इंसान के बच्चे होते हैं वैसे ही है ये भी, बिल्कुल अभी बहुत ही नाजुक है, बहुत छोटे से हैं। तो ये भी देखिए, तो मैं हाँ आपको एक चीज बताना भूल गई कि इसने 7 बेबीज दिए थे, बट अब इसे ना एक बेचारा पता नहीं कैसे मर गई हो, हम लोगों ने सुबह चेक किया तो वो यू नो उसकी मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको गोद में लिया, खिलाया तो, बट कुछ भी रिस्पांस उसने नहीं दिया। तो ये भी हो चुका है कि एक बेबी जो है वो, तो अब इसके 6 बेबीज है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं इसके बेबी का, रात को देखते हैं कि क्योंकि ये बैठ जाती है उनके ऊपर, इसको पता नहीं चलता है अंधेरे में ना, तो ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ ही शोर मचाते हैं तो हम लोग बड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। ये देखिए बहुत ध्यान रखते हैं, तो देखिए त्रिशा जिद कर रही है कि इसको सॉस खानी है, कैचअप लेके आई है कि सॉस खानी है, बताओ कुछ नहीं है डेजी इसमें खाने के लिए, लो इधर आओ त्रिशा, यहाँ तब क्या मैं दूंगी आपको कैचअप खाने की चीज़ है, इधर आओ, कम है कैचअप खाने की चीज़ है, आपको भूख लग रही है, मम्मा आपको और भी देखिए, एक तो ना इसको क्या नाम है कैंडी को, इसको तेजी को भी ना भूख बहुत लगती है, अब यार 6 बच्चों को फीड कराना कोई आसान काम तो है नहीं, तो उसको भूख लग जाती है, तो इसके भी डाइट हम लोगों ने बढ़ाई है, हम लोग इसको पहले 2 तो पहले हम इसको डेजी को 2 टाइम दे रहे थे खाना, बट अब हम लोग इसको 3 से 4 टाइम भी, एक उसको मिल्क भी पिलाना पड़ता है क्योंकि मिल्क फीड कराती है, तो उसको मिल्क भी देना बहुत ज़रूरी है। तो यार इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बोलते हैं ना कि मतलब मेहनत नहीं है इस काम में कुछ भी, बट बहुत ज़्यादा
गाइस मेहनत है, और अभी तो कम है क्योंकि अभी ये खुद यू नो अपनी मम्मी का ही फीड कर रहे हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे इनको खाने की डाइट पे हम लोग लेके आएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद इनको खाना खिलाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना क्या फूड होता है उसको भिगो के सेरेलैक्स वगैरह मिला के हम लोग इनको देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा यू नो रहता है इनका थोड़ा सा हेडेक। तो देखिए त्रिशा ने अब सॉस खा चुकी है, देखिए कैसा इसने अपने मुंह का क्या हाल किया है। त्रिशा फेस दिखाओ अपना, दिखाओ फेस, क्या होता है ये पूरे हैंड देखो अपने कितने डर्टी हो गए आपके हैंड्स, ये देखो ओनली हैंड्स से आप वो स्टोन्स ले रहे हो, दिखाओ अपने अपने हैंड्स दिखाओ पहले। हाय त्रिशा क्या बताऊँ मैं, त्रिशा ने भी ना बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो बेबीज जो है ये देखिए, त्रिशा ने एक बेबी को तो अपने पास सुला के रखती है, वो ये सो गई है, ये देखिए ये बेचारी, इसको ये अलग ही रखती है, इसको ये अलग ही रखती है अपनी माँ से, ये इसकी माँ, ये हमारी क्या नाम है त्रिशा है इसकी मम्मा, है ना त्रिशा आप हो ना इसकी मम्मा, गंदे हाथ मत लगा मम्मा के, नो अपना फेस वॉश करो और हैंड वॉश करो। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी है यार, सीरियसली आप लोग लेंगे ना इसको, ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इसको कैसे भी कर लो, ये देखो ये मतलब इसको कैसे भी रख लो, ये बिल्कुल भी चू चू नहीं कर सकती ना, वो आपको मेल देखा ना मैंने, वो तो बहुत ही बदतमीज है यार, त्रिशा उठा के भी गलती से लेके जाती ना, मैंने कहा यार इसको वापस कर क्या, क्यों वो शोर इतना मचाता है कि डेजी परेशान हो जाती है, डेजी को लगता है हम लोगों ने पता नहीं उसके बेबी को क्या कर दिया। त्रिशु आपके हैंड्स गंदे हो रहे हैं, अपने गंदे हैंड्स से मत लो यार त्रिशु, नहीं पहले वॉश करो पहले अपने हैंड्स, देखो डांस कर लो, ढिंग चक 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 करो डांस, चक 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 चक। तो बस मेरे को आपको ये दिखाना था कि इनकी आईज ओपन हो गई हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा देखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी और जैसे जैसे अभी अपने लेग्स चलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखना बहुत ही मस्त लगेंगे यार, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं ये देखने में, और इनकी एक्टिविटीज़ जब लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, लड़ाई करेंगे ना यार सच में अच्छा लगता है इन लोगों को ना ऐसे देख कर। क्या लो बेटा आपने हैंड साफ किए, नहीं किए, सारे गंदे हो गए आपने, और ये आपने कितना फैला दिया यहाँ पे, ये छी छी हाँ उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। कल त्रिशु की पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो देखते हैं त्रिशा यू नो टीचर क्या रिस्पांस देंगी, इसका क्या बताएंगी हम लोगों को। वैसे तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव ही आएगा इसका, क्योंकि एक तो ये नॉटी नहीं है और इजीली मतलब बहुत जल्दी ये कैचअप कर लेती है, चीज़ों को कैच कर लेती है। अब देखते हैं बाकी क्या बोलेंगी टीचर इसकी, अभी तो छोटी है क्या बोलेंगी यार, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा ना उसको जब पता चलेगा यार स्कूल क्या होता है, अभी तो अभी भी रो के ही जाती है, ऐसा नहीं है अभी भी रो के जाती है, बट जब पता नहीं क्या करेगी ये, है ना। तो चलिए गाइस मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात याद रखना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार हम लोगों का चैनल, है ना, और देखती हूँ बेटा बेबी। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तो चलिए गाइस बाय बाय, त्रिशु बाय कर दो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। चलो फ्लैंक किस कर दो, अपना फेस तो देख लो कितना गंदा कर रखा है आपने, गंदे लड़के। चलिए गाइस ओके टेक केयर बाय बाय, ये लो।